गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन के साथ मिस्टर वांग विंग की शादी करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने विंग बोलते मॉम दैट इज़ नॉट फेयर, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। ये तो बोलते मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ? क्या गलत कर रहा हूँ बोलो मुझे, मैं क्या गलत कर रहा हूँ बोलो मुझे। तो विंग बोलते मॉम यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो बोलते व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड, हाँ बोलो मैं क्या अंडरस्टैंड करूँ बोलो मुझे। तुम हमेशा से अपनी मनमानी करते आए हो विंग, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, लेकिन अपनी लाइफ को अकेला तुम नहीं रह सकते, लाइफ पार्टनर चाहिए होता है हर किसी को। तो विंग बोलते मुझे नहीं चाहिए मॉम। तो ना मतलब मिस्टर मिसेस वांग मिस्टर वांग मिसेस वांग बोलती है लैंसन तुम घर रहो कल, ठीक है? तो ना मिस्टर वांग विंग का हाथ पकड़ती है और घर लेके जाती है। तो ना मिस्टर वांग की तरफ विंग ना मतलब डंबफाउंडेडली देख रहा था, क्यों मिसेस वांग ये सारी चीज़ें कर रही है। मिसेस वांग से वो ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। ऑफकोर्स वो नहीं चाहता कि मिसेस वांग की तबीयत ख़राब हो जाए, वो उसको मदरली बहुत प्यार करती है, वो उसकी मदर की जैसा प्यार करती है उससे। वो नहीं चाहती कि वो किसी को भी हर्ट हो, वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं हर्ट करेगा वो। तो ना वहाँ पे मिसेस वांग को आकर के बोलते हैं मदर मैं नहीं चाहता उससे उनसे शादी करना, आई रियली डोंट वॉन्ट टू मैरी हर। आपको पता है उनकी मॉम ने क्या किया था, उसकी मॉम ने तो ना बोलते उसकी मॉम ने जो करना था किया था ना बेटा, वो उसने तो कुछ नहीं किया, वो तुमसे प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है बेटा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो ना विंग बोलता है नहीं मॉम यू हैव टू अंडरस्टूड, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, आई रियली डोंट वॉन्ट टू मैरी हर। मैं शादी नहीं करता, मैं अपनी लाइफ में अकेला रहना चाहता हूँ मॉम। उन लोगों की वजह से मैंने कितना सफ़र किया है, आपने कितना सफ़र किया है, डैड ने कितना सफ़र किया है, और मैं उनके बेटे के साथ शादी करके उस इंसानों के सामने जाके रहूं, मुझे नहीं रहना है मॉम। मुझे उनसे डर लगता है मॉम कि वो लोग आप लोगों की भी मुझे छीन लेंगे, जो मैं नहीं करना चाहता। प्लीज़ मॉम प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। तो ना वहाँ पे मैडम लैना मैडम वांग बोलती है विंग मेरी तरफ देखो बेटा। तो विंग बोलते नहीं मॉम यू हैव टू लिसन टू मी। तो बोलते नो यू लिसन टू मी बेटा प्लीज़ मेरी आंखों में देखो। तो मिस्टर वांग की आंखों में देख के बोलता है मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो, शादी करो, तुम्हें शादी के बाद उसे जाने के लिए तुम्हें जाने की ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहना, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलते मॉम आप मुझे ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकते हो, आपको पता है ना कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोलता है तुम मेरे लिए करो ना, तुम शादी कर लो ना बेटा प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले गुजारो अपनी लाइफ को, मैं तुम्हारी लाइफ को अकेला जाते हुए नहीं देख सकती, और डेरिन भी कभी भी तुम्हें नहीं चाहेगा कि वो तुम उससे अकेला छोड़ दो, तुम उससे अकेला रखो। तो ना वहाँ पे विंग मैडम वांग को आ करके बोलती हूँ मॉम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही है, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है मॉम। तो ना मिसेज वांग बोलती है लुको मेरी तरफ देखो, हम उसको वापस नहीं ला सकते, मैं डेरिन की जगह तुम्हें किसी को देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें सिर्फ इतना बोल रही हूँ मैं कि तुम उसे एक मौका तो देख ही सकते हो ना, एक मौका देने में कोई भी बुराई नहीं है लैंसन बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उसके बारे में कभी भी कोई भी गलत अफवाह नहीं सुनी, कभी भी नहीं। तो बोलते हैं लैंसन बींग बोलता है लेकिन मॉम, तो बोलते प्लीज़ बेटा मेरे लिए
दूसरे दिन लैंसन खुद आया था। लैंसन अपने मॉम को नहीं लाया था, वो किसी को भी नहीं लाया था, वो खुद आया था। दोनों वहाँ पे मिसेस वांग बोलती है, देखो वी लैंसन, तुम विंग से शादी कर सकते हो, विंग यहाँ पे ही रहेगा, वो तुम्हारे घर नहीं जाएगा, तुम यहाँ पे आओ रहो, तुम्हें जब अपनी फैमिली के पास जाना होगा तुम जाना, लेकिन मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि मैं तुम्हें मेरा बेटा नहीं दूँगा। अगर तुम आके यहाँ पे अब मेरे बेटे के साथ रह सकते हो तो मैं शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, और तुम बोलोगे आके कि एक दिन के लिए, दो दिन के लिए आप भेज ही तो सकती है, तो बोलती मैडम वांग बोलती है, नहीं मैं नहीं भेज सकती उसे। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है, आप जैसा बोलेंगे ठीक वैसे ही होगा। दोनों लैंसन की तरफ विंग देख के बोलता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें क्या कोई मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, आप लोग जो कर रहे हो ये गलत है। दोनों वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, मैडम लैन को जो पता चलता है कि लैंसन और विंग की शादी होने वाली है, तो वो ना लैंसन को फ़ोन करती है और बोलती है, तुम कहाँ पे हो, मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे थे। तो ना वहाँ पे मिसेस वांग सारी तैयारियाँ कर रही थी, वो मतलब लैंसन ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि वो शादी कर रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसी चेन और यानली की शादी मतलब होने वाली थी, तो वहाँ पे लैंसन ने और विंग ने मतलब रजिस्ट्री मैरिज कर ली थी। मिसेस वांग चाहती थी कि रजिस्ट्री मैरिज हो जाए, फिर बाद में हम एक पार्टी कर लेंगे, बाद में बहुत बड़ी एक सेरेमनी रख देंगे। तो ना वहाँ पे लैंसन मिसेस वांग की बात ही सुन रहा था, सब कुछ मिसेस वांग के लिए हो रहा था, क्योंकि मिसेस वांग का दिल का दौरा कभी भी पड़ सकते हैं, उन्हें हार्ट स्ट्रोक बहुत पहले हो चुका है, वो नीच वो अगर अभी उनके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए हो गई तो विंग इसी डर से ये कर रहा था। विंग लैंसन से बोलता है, मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो ना लैंसन बोलता है, मैं तुम्हें मुझसे प्यार करना सिखा दूंगा, डोंट वरी। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा, आई कांट लव यू, आई कांट, मुझे इन सारी मुझे सब चीज़ों से नफरत है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो ना वहाँ पे वो ना मिसेस वांग की तरफ देख के बोलते हैं, लेकिन ये लेडी ने मेरे बारे में सोचा है हमेशा से ही, वो चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ ना हो, मुझे पता है कि इन्होंने क्यों ये सारी चीज़ें की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ मेरे पास आ पाओगे, मेरे दिल में आ पाओगे। तो ना लैंसन बोलते हैं, मैं दिल में जगह ज़रूर बनाऊँगा। तो मिसेस वांग तो भाई कुछ चीज़ें सब कुछ कर रही थी। तो ना वहाँ पे मिसेस वांग ने बोला था कि तुम्हारे बड़े भाई की शादी के बाद ही तुम शादी कर सक हम शादी रखेंगे ठीक है। तो लैंसन ने बोला था, अच्छा ठीक है, लेकिन विंग और लैंसन की शादी हो चुकी थी, रजिस्ट्री मैरिज हो चुकी थी, सेरेमनी होना बाकी था। दोनों विंग और लैंसन एक साथ रहने भी लगे थे। दोनों मिसेस वांग ने तो बोल ही दिया था कि वो 21 साल में बेबी चाहती है। दोनों वहाँ पे मिसेस वांग ने विंग को बहुत मुश्किल से तैयार किया था, क्योंकि वो जानती थी कि विंग ऐसा नहीं करेगा, उन्होंने मतलब अपनी तबीयत का बहाना बनाया, वो मर जाएंगी, उन्हें एक पोता या पोती देखने का, उसके साथ खेलने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विंग को इतना ज़्यादा इमोशनली उन्होंने ब्लैकमेल किया है ना, कि विंग ने तो भाई सोचा है कि वो और क्या ही करे, उसकी ज़िंदगी ही बदल दी, वक्त जज्बात हालात सब बदल डाले, ये क्या है मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो ना वहाँ पे विंग ना मिसेस वांग की हर एक मुराद पूरी कर रही है, क्योंकि उन्हें उसे पता है कि मिसेस वांग उसके लिए ही ये सारी चीज़ें कर रही है, वो चाहती है कि विंग जिए, एक खुशहाल फैमिली के साथ जिए, लेकिन विंग को वो खोना नहीं चाहती, इसलिए वो उसके साथ ही रहना चाहेंगी। तो मिसेस लैन मिसेस वांग के पास आती है और चिल्ला के बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना बोले
तुमने करवा दी दोनों वहाँ पे। मिसेस वांग बोलती है, देखो मैं नहीं आई थी शादी करने वो प्रपोजल लेके, तुम्हारा बेटा ही आया था और मैंने उसे अपनी कंडीशंस बताई कि मेरे बेटे से शादी करने के लिए उसे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और तुम्हारे बेटे ने अग्री भी की है। अगर नहीं करना है तो अग्री नहीं करता तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा ही मेरे बेटे से शादी करने के लिए पागल था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो जियांग्स को बिलोंग करता है। तो ना वहाँ पे मैडम वांग एक स्मार्क देखती है और जियांग मैडम यू की तरफ देखती है और बोलते हैं, बोलना ज़रा दूसरी बार, तो उसे रोक के दिखा, मैं उसके उसको जो बोलूँगी वो करेगा, मैं जो जो बोलूँगी वो करेगा। अगर तुम एक बात भी उससे मनवा सको तो मंगवा लो, मनवा लो। वाह, तुम्हें पसंद नहीं है ना विंग की शादी तुम्हारे छोटे बेटे से हुई? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती, ऐसा नहीं है, मुझे विंग पसंद है, अगर वो उसकी शादी मेरे छोटे बेटे से हुई है मैं खुश हूँ। तो ना मैडम वांग बोलते, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो क्यों चिल्ला रही हो? तो बोलते, तुम मुझे भी तो रख सकती थी ना अपने साथ। तो ना वहाँ पे मैडम वांग बोलते, मैं क्यों रखूँ, मैं अपने बेटे के खूनी के साथ क्यों बात करूँ, मेरा क्या दिमाग ख़राब है कि मैं मेरे बेटे के खूनी के साथ बातें करूँगी? तो ना वहाँ पे मैडम लैन का सर नीचे हो जाता है और बोलता है, मुझे पता है कि मेरी गलती है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मिस्टर लैन, मिसेस लैन, मैडम यू और मिस्टर वैन ने की मिसेस वैन ने क्या किया था। मिसेस वैन की एक भतीजी थी, मतलब बेटी थी, जो मिसेस लैन की भतीजी थी, मतलब वो उनके भाई का बेटा था, मिसेस लैन का भाई का बेटा था, बेटी थी, जो डैरन को बहुत पसंद करती थी। तो इसीलिए जब मिस्टर वांग, मिसेस वांग को पता, मैडम लैन को पता चला कि उनकी भाई की बेटी विंग को पसंद, लैन मतलब डैरन को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है, तो वो उनका रिश्ता लेके गई थी। लेकिन मिस्टर डैरन ने साफ मना कर दिया और बोला कि वो किसी से प्यार करता है। तो ना उसे पता, उन लोगों को पता चला कि वो विंग से प्यार करता है, तो उन्हें लगा था कि वो क्या ही कर लेंगे ये प्यार, मतलब 2 मिनट का है, एक बच्चे से क्या ही प्यार करेगा डैरन। तो इसीलिए ना लैनसन की मॉम ने विंग को धमकाया था, क्योंकि उसकी शिची और चैन, मतलब लैन चैन की शादी बचपन में तय हो गई थी और उसकी शिची उसे बहुत प्यार करती थी, मतलब यानी विंग को बहुत प्यार करती थी। तो इसीलिए ना मैडम लैन और मैडम यू मिलके विंग को धमकाया था कि वो डैरन से दूर रहे, वरना वो उसकी बहन की शादी तो देंगे। तो विंग तो डर गया था, विंग 14 साल का बच्चा था, तो ऑफकोर्स वो डर जाएगा। तो उसके मॉम डैड के, जब वो 7 या 6 साल का था, उसके मॉम डैड की डेथ के बाद ही वो डैरन से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो चुका था उससे, वो डैरन से प्यार करता था विंग। लेकिन मैडम लैन और मैडम यू की ये नहीं पता था। तो जब विंग ने डैरन को खुद से अलग किया तो डैरन ने खुद को मार दिया था। वो उसने बोला था कि मेरी वजह से तुम्हें सब लोग बुली कर रहे हैं ना, तो मैं खुद को मार दूंगा, तो कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा बाहु पे। डैरन विंग को बाहु पे बुलाता था। तो जब डैरन मर चुका था तो लैन विंग को बहुत ही ज़्यादा, विंग तो टूट गया था और मैडम लैन तो शॉक हो गई थी, उन्हें नहीं लगा था कि डैरन खुद को मार देगा। वो मतलब वैन चिंग से शादी नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए ना मैडम लैन, मैडम यू एकदम शॉक हो गई थी और विंग विंग मैडम लैन और मैडम यू से नफरत करता था, क्योंकि 14 साल के बच्चे के ऊपर इतनी सारी चीज़ें उन लोगों ने थोप दी थी और इतना ज़्यादा उन लोगों ने हर्ट किया था, तो ऑफकोर्स विंग नफरत तो करेगा ही ना। और मैडम वांग को ये सारी चीज़ें पता थी, तो ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ें होंगी ही ना। तो ना फ्लैशबैक एंड होता है, तो ना मैडम लैन बोलते, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस है तुम्हारा बेटा विंग के लेके। तो बोलते, मुझे पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, ये सारी चीज़ें बकवास है, वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और तुम लोगों ने क्या किया, तुम जैसे घटे इंसानों के साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन तुम्हारे बेटे की आंखों में मैंने विंग के लिए प्यार देखा है,
इसीलिए मैं हाँ बोला हूँ ना, वरना मैं कभी नहीं हाँ बोलती। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय गाइस, आई लव यू।